हेलो फ्रेंड्स, पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, हम करंट अफेयर्स की क्लासेस कल हमने एक कर ली थी, आज हम सेकंड क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह पढ़ी थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। देखो, हमारा आज का पहला सवाल क्या है, राज्य सरकार द्वारा गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र में किस योजना को आरंभ किया गया था। इसमें क्या पूछा गया है, देखो राज्य सरकार गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसमें, शहरी क्षेत्र में, स्पेसिफिक है शहरी क्षेत्र, इसमें किस योजना को आरम्भ किया गया। चलो अपन देखते हैं, ऑप्शन अन्नपूर्णा योजना, मिड डे मील शहरी योजना, इंदिरा रसोई योजना और एक है पोषण योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इंदिरा रसोई योजना। इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा कोई भूखा नहीं सोए, ये देखो इस योजना की क्या थी, टैगलाइन थी। क्या टैगलाइन थी, कोई भूखा नहीं सोए। इस योजना को 20 अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। कब, 20 अगस्त 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। और कहाँ, शहरी क्षेत्र में, ने आपको बोला तो क्या है, नगरीय निकाय, जो हमारे नगरीय निकाय कुल कितने हैं, 213 नगरीय निकाय, तो इन 213 नगरीय निकायों में इस योजना को लॉन्च किया गया। ऐसे बोला कि 213 नगरीय निकाय हैं, वहाँ क्या करेंगे हम, 358 रसोई बनाएंगे। नाम से पता चल रहा है, देखो क्या है, इंदिरा रसोई योजना। तो क्या है, इंदिरा रसोई योजना शहरी जो 213 नगरीय निकाय है उसमें ये बोला कि 358 अपन क्या करेंगे, रसोईयां बनाएंगे। और उनमें क्या है कि जो भी ऐसा व्यक्ति जो उसमें भोजन करना चाह रहा है, कोई भूखा ना सोए। देखो टैगलाइन से पता चलता है कि भाई सबको भोजन उपलब्ध कराएंगे, राज्य सरकार ने ये बोला, इसलिए 20 अगस्त 2020 में इस योजना को लॉन्च किया कि जो भी 213 नगरीय निकाय है वहाँ हम 358 क्या है, रसोई बनाएंगे, ताकि क्या संस्थागत रूप दिया जा सके इस चीज़ को। और आरामदायक रूप से क्या है, कोई भी व्यक्ति है भूखा है, मान लो बस स्टैंड पे है या कहीं भी है, तो आराम से बैठ के क्या है वो खाना खा सके। ठीक है, तो इसके लिए ये बोला कि भाई हम देंगे 20 रुपये में आपको एक थाली देंगे। कितने रुपये में, 20 रुपये में। इस 20 रुपये में ये बोला कि 12 रुपये कौन देगा, राज्य सरकार अनुदान देगी, राज्य सरकार, और बच्चे कितने, 20 में से 8 रुपये, 8 रुपये कौन देगा, जो व्यक्ति भोजन करेगा वो देगा 8। ठीक है, तो 8 रुपये में उसको क्या होगा कि पूरी थाली, एक थाली क्या है उसको भोजन मिल जाएगा। उस थाली में क्या होगा, 8 रुपये में शुद्ध ताज़ा भोजन मिल गया, उसमें 100 ग्राम सब्जी हो गई, सॉरी इसमें 100 ग्राम सब्जी हो गई, ठीक है, 100 ग्राम सब्जी, अचार हो गया, दाल हो गई, ये सब चीज़ें इसमें उपलब्ध होगी। ये तो राज्य सरकार द्वारा गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की, जिसकी टैगलाइन थी कोई भूखा न सोए। ये योजना 20 अगस्त 2020 में शुरू की गई थी, स्टार्ट में 213 नगरीय निकायों में, ये बोला 358 रसोईयां बनाएंगे, जिसमें आपको 20 रुपये में थाली दी जाएगी, 12 रुपये राज्य सरकार इसमें अनुदान देगी, 8 रुपये जो व्यक्ति है वो खुद अपनी देके थाली खरीदेगा, जिसमें उसको 100 ग्राम सब्जी, रोटी, अचार, जो भी आवश्यक खाना होता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में क्या किया राज्य सरकार ने, इसमें हाल ही में राज्य सरकार ने ये कहा कि भाई इसमें क्या है, 22-23 के बजट में, 22 अभी 22-23 का बजट है ना, उसमें क्या किया कि ये 358 रसोई है ना, इसकी संख्या बढ़ा के कर दी 1000। ठीक है, हम आगामी साल में इसमें 1000 रसोई ऐसी स्थापित कर लेंगे। तो हो गया ये क्लियर, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, देखो कि मनरेगा अपने चल रही है गांव में, सबको पता है क्या चलिए, मनरेगा। ठीक है,
उसके अंतर्गत क्या है वो एक अलग से क्वेश्चन बनाया हुआ, उसमें अपन विस्तृत डिस्कशन करेंगे। अभी हाल ही में जो बजट आया था ना 22-23 का जो बजट आया, उसमें क्या किया सरकार ने, ये बोला कि भाई कोरोना काल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहरी क्षेत्र में भी जिनको क्या रोज़गार नहीं मिल पाया है ना, इस वजह से क्या है रोज़गार नहीं हो तो उनकी आधारभूत आवश्यकताएँ कैसे पूरी होगी। तो सरकार ने क्या किया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये काम 100 दिन का रोजगार देंगे। कितना? 100 दिवस का इनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले परिवार है जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसके अंतर्गत उनको 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में निःशुल्क प्राप्त होने वाली दवाओं की संख्या कितनी है। इसमें क्या पूछा गया है, देखो दोस्तों, इसमें पूछा है दवाओं की संख्या कितनी है अपना क्वेश्चन में। तो इसमें 608, 712, 500, 572, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 712। ये संख्या आपको याद रखनी है। बहुत बार सवाल आता है कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है उसमें दवाओं की संख्या कितनी है, तो 712। इस योजना की शुरुआत कैसे की गई थी कि विश्वासगत रूप से क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मूलभूत दवाइयाँ होती हैं वो क्या उपलब्ध होनी चाहिए ना। तो सरकार ने क्या किया कि 2 अक्टूबर 2011 में इस योजना की शुरुआत की। इसमें स्टार्टिंग में संख्या 608 थी, फिर बढ़ा के इसको 712 कर दी। वर्तमान में इसकी संख्या 712। ऐसी दवाइयाँ जो अपन क्या है बोलते हैं इसको, मेडिकल पे जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो 712 रुपये क्या है, 712 जो दवाइयाँ हैं, यानी 712 दवाइयाँ हैं, ये संख्या है, ये दवाइयाँ हमको बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। ठीक है, तो ये योजना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। ये क्वेश्चन है ना कोलेज लेक्चरर में भी आया हुआ है, ये आया हुआ है अपने आरएस प्रीलिम्स में भी, हर जगह मिलेगा कि इसकी, कभी ये पूछ लेते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2011 में। कभी ये पूछ लेते हैं कि ये इस जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है उसमें निःशुल्क प्राप्त होने वाली दवाओं की संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे आप, 712। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, ये नई योजना है, अभी लॉन्च हुई है ये योजना। तो देखो, बजट 21-22 में इस योजना का प्रावधान किया गया था, नहीं ये गलत हो गया अपना, मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी नई योजना, तो बजट 21-22 में, बजट 22-23, तो बजट 22-23 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, घोषणा की, अभी घोषित किया है हाल ही के बजट में। योजना का उद्देश्य प्रदेश के दुर्गम दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना का निर्माण करना है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, नाम से पता चल रहा है। देखो, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण मतलब कोई भी क्षेत्र विशेष को ले लेंगे और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में उस पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे क्या है, तालाब बना दिया, कुआं बना दिया, सड़क बना दी, है ना, वहाँ क्या है कि हॉस्पिटल्स बना दिए, है ना, स्कूल बना दिए, तो इस ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये इन आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना शुरू की गई है। 22-23 के बजट में है। योजना का उद्देश्य जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ आधारभूत संरचना का निर्माण करना। आधारभूत संरचना क्या होती है, वहाँ बिजली पहुँचाओ, वहाँ सड़क बनाओ, है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो इसमें क्या हो गया, कथन एक गलत हो गया आपका और कथन बी आपका सही हो गया। तो राइट आंसर होगा ये, कथन एक गलत, कथन बी सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 है आपका, महात्मा गांधी, मैंने कहा था ना मनरेगा पे सवाल आएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखो, कथन एक क्या है, ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के योग्य है,
ग्राम पंचायत के मनरेगा गांव में चलती है। हम सब लोगों को पता है कि मनरेगा केंद्र सरकार की फ्लैक्सिब योजना है, ठीक है, केंद्र सरकार की फ्लैक्सिब योजना है, तो पूरे भारत में चलेगी ये, तो ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2014 में, इसको क्या संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि क्या यहाँ का बोला गया, ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण योग्य है। हाँ, ग्राम पंचायत के जितने भी स्थानीय निवासी होंगे ना, वो सभी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के योग्य होंगे, ठीक है। कथन भी है, परिवार के केवल एक वयस्क सदस्य ही पंजीकरण के योग्य है। नहीं, ये गलत है, परिवार के केवल एक वयस्क सदस्य ही, इसमें एक प्रावधान है, प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार, इसमें ये प्रावधान है, प्रति परिवार लिखा हुआ है कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा आप लोगों को। उसमें अगर आपके दो मेंबर है तो कोई बात नहीं भाई, 50-50 दिन का आप कर लो, आप आपके हिसाब से 50 दिन एक मेंबर कर लेगा, 50 दिन जो है रोजगार है वो दूसरे मेंबर को मिल जाएगा, तो होगी पूरे 100 दिन। तो इसमें ये प्रावधान है, एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये गलत हो गया। ग्राम पंचायत कार्यों के चयन वार्षिक कार्य योजना के तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है। नहीं, ग्राम पंचायत नहीं है, यहाँ है ग्राम सभा, क्या ये ग्राम सभा है, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है कि गांव में निवास करने वाले सारे जो लोग होते हैं वो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत की एक निर्धारित मतलब अधिनियम में बताया गया है कि 3,000 की पॉपुलेशन होगी, या इतने तो दो या तीन गांव को, छोटे गांव उनको मिला के क्या है ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। ग्राम सभा क्या होती है कि जो भी जो ग्राम पंचायत है उसमें जो वयस्क सदस्य होते हैं, वयस्क मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी सदस्य होते हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, उनसे मिलकर बनती है अपनी एक ग्राम सभा। तो ग्राम सभा है वो कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने तो मुख्य रूप से अधिकृत है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हुआ, केवल एक, आपका सही आंसर है केवल एक, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2008 में, ठीक है, 2014 में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत ये है कि प्रति परिवार आपको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, 15 दिन में आपको एक जॉब कार्ड मिल जाएगा जैसे आवेदन किया, और 15 दिन के बाद भी अगर नहीं मिलता तो आपको क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब फिलहाल क्या हुआ कि जो कोविड की परिस्थितियां थी, हम सबको पता था 22-23 के बजट में, ठीक है, 22-23 के बजट में, तो इस 100 दिन पहले था 100 दिन का रोजगार, अब इसकी दिनों की संख्या बढ़ा के कर दिया गया है 125 दिन, ठीक है। वर्तमान में कितना, 125 दिन, ये हो गया आपका मनरेगा के पैसा। नेक्स्ट आते हैं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कब शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, तारीख पूछे कल, तो 18 दिसंबर 2019, 5 जून 2020, 1 मई 2021, 1 फरवरी 2019, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1 फरवरी 2019। ये योजना है ये अपने कौशल रोजगार, कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग है उसके द्वारा शुरू की गई ये योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019, ओके, 1 फरवरी 2019। इसके अंतर्गत ये कई शर्तें हैं, ठीक है। इसकी योजना का लाभ किसको मिलेगा, पात्र कौन है इसमें, एक तो नंबर वन तो कोई भी मुख्यमंत्री युवा संबल, तो बेरोजगार जो है ना, जिस बंदे ने स्नातक पास कर लिया उसके बाद क्या है उसके पास कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री महोदय ने क्या बोला कि ठीक है, जब तक आपको रोजगार की प्राप्ति ना हो, हम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आपको कुछ राशि देंगे जिससे कि आप आगे के लिए अपनी काम जारी रख सके। इसमें पात्रता निर्धारित की गई थी, नंबर एक तो कि वो जो व्यक्ति है वो स्नातक पास होना चाहिए, स्नातक पास, दूसरा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए,
राजस्थान का मूल निवासी, ठीक है। तीसरा, उसके परिवार, उसके परिवार की आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2 लाख से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा इसके अंतर्गत ही ये प्रावधान किया कि ये इस 2 वर्ष तक ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। कब तक? 2 वर्ष तक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हो। एक ये बोला गया कि किसी भी राज्य या केंद्रीय छात्रवृत्ति या भत्ता लाभ प्राप्त करता, ठीक है। ये बोला है इसमें, ये शर्तें हैं, इन शर्तों के तहत कोई भी व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत फिर राशि कितनी दी गई, वित्तीय सहायता क्या दी जाती है? वित्तीय सहायता होती है, वित्तीय सहायता जो युवक होते हैं उनको, युवकों को 4,000 रुपये, प्रतिमा, ये राशि याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो महिलाएं हैं, महिला ट्रांसजेंडर जो महिला है, ट्रांसजेंडर है और दिव्यांगजन, दिव्यांग, उनके लिए राशि कितनी है? 4,500 रुपये, 4,500 रुपये प्रति माह, 4,500 रुपये प्रति माह, ठीक है। इसमें इस योजना का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य था 2 लाख जो युवा है उनको लाभान्वित करना, भी 2 लाख युवा है उनको लाभान्वित किया जा सके इस योजना के, ये ठीक है। ये होगा आपका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, तब फिर से इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जो भी गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे, पहले उनको कंप्लीट करेंगे, फिर अदर जो भी टॉपिक हैं उन पर आएंगे, जैसे खेल हो गया रे, कोई पर्सनैलिटी हो गई चर्चा में रही, कोई न्यूज अदर रही, सब चीज़ें, तो वो टॉपिक वाइज टॉपिक हम डिस्कस करते चलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा जो ऐप है, हमारा जो पहल अकेडमी ऐप है, उस पर फाउंडेशन बैच है वो लाइव चल रहा है, वहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, और हाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है जो मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी हमने के क्वेश्चन अपलोड कर दिया। अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी आपको सिनॉप्सिस भी वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।